हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन वर्किंग हार्ड, स्टडिंग हार्ड विद योर स्टडीज, स्पेशली विद माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस संजीव गोस्वामी. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे. 5-6 बड़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं, आपको इसकी बड़ी हेल्प मिलेगी. पहला क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा. क्या है क्वेश्चन ये? डू वी नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट किंग विक्रमादित्य और हिज सीट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे. लिखेंगे नो, वी डू नॉट नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य और हिज जजमेंट सीट. एक हाइफन लगा देंगे यहां पर. हम नहीं जानते निश्चित तौर पर, ना तो विक्रमादित्य के बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते, ना ही उनकी वो मैजिकल जजमेंट सीट, क्योंकि वो इस दुनिया से चली गई, हमें पता ही है. चाहे तो जोड़ सकते हैं फॉर द सीट डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड. ये हो गया शॉर्ट आंसर नंबर फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसे आप उतार सकते हैं, समझ गए होंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का. क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर किंग विक्रमादित्य? आंसर लिखिए इसका. माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट फॉर पास्ट 30 years और 25 years और सो, दिस क्वेश्चन हैज बीन इन द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नियर अबाउट 20 times आउट ऑफ 25 और सो. क्या आंसर होगा? द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर किंग विक्रमादित्य. Because he knew that his eyes would look into his guilt. क्योंकि उस दोषी को पता होता था, गुनहगार को, कि राजा की वो पैनी निगाहें उसके अंदर झांक कर उनके दोष को, उनके गुनाह को पहचान लेगी. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में, प्लीज इसे नोट कर सकते हैं. आइए तीसरे क्वेश्चन तक जाते हैं. व्हाट डिड the first angel ask the king?
पहली एंजल ने राजा से क्या पूछा, कौन से राजा से, जो दूसरा राजा था उज्जैन के थोड़े दूर, जिसने वो उनकी जजमेंट सीट को निकाला, तो पहला क्वेश्चन क्या था आपको याद है? द फर्स्ट एंजल आस्क्ड द किंग, मैं डायरेक्ट में लिखूंगा, ओ किंग हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर द किंगडम ऑफ अदर्स? ये पहला क्वेश्चन था कि हे राजन, क्या आपने किसी दूसरे के राज्य पे राज करने की लालसा तो नहीं की है, इच्छा तो नहीं की है? दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप आगे लिख सकते हैं द किंग आंसर्ड इन द नेगेटिव, आगे बढ़ा सकते हैं, द किंग आंसर्ड इन द नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट, आपके समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसे उतार सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द, थोड़ा सा चेंज करेंगे काम चल जाएगा, लास्ट एंजल, लास्ट एंजल ने क्या पूछा आपको याद है? मैं बताता हूं, द लास्ट एंजल आस्क्ड द किंग, ओ किंग इज योर हार्ट एज प्योर एज ऑफ अ बेबी? क्या तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि मासूम दुधमुहे बच्चे का, बेबी का? आपको फिर पता है आंसर नेगेटिव ही था इसका। द किंग answered in the negative। आगे बढ़ा सकते हैं, at this the last angel flew into the sky with the judgment seat on her head, अपने सर पे रख के वो जजमेंट सीट को ले गई। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन इस लेसन का। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लिखाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, इसे उतारिएगा, फिर एक लास्ट क्वेश्चन। Why did the judgment seat of Vikramaditya disappear from the earth forever? इसका आंसर बुक में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई इसका आंसर है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर बिकॉज नोबडी
could have such great qualities which King Vikramaditya possessed. जो 25 questions पूछे, every time एक नई quality के बारे में पूछा, dear ones, ये मैं उस lesson की summary के last में नहीं बता सका, अब यहाँ पर है, वो 25 qualities थी जो उनको angels उन्हें support कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है, जैसे ऐसी quality उनके अंदर develop हुई होंगी, उनके राजकाल में, उनके शासनकाल में, वो ऊपर से आकर आसमान से कहीं स्वर्ग से ईश्वर के दरबार से वो एक एक एंजल लाकर उनका सपोर्ट सिस्टम बढ़ता रहा होगा. तो एवरी टाइम दैट स्टोन एंजल आस्क्ड अबाउट दैट क्वालिटी और फाइनली ये पता चला वो जो राजा थे जिन्होंने वो उनकी सीट को निकलवाया था ज़मीन से, उनके पास एक भी क्वालिटी नहीं थी. तो उस लास्ट एंजल को लगा कि जब एक राजा में एक भी क्वालिटी नहीं है, 25 क्वालिटीज किसमें हो सकती हैं, इसलिए अब इस दुनिया में कोई भी सीट पर क्लेम करने के लिए नहीं रहा. दैट्स वाई द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर. आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मेरा जो कहने का आपको तरीका था कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर ज़रूर करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. और सब्सक्राइब अब तक ना किया हो तो प्लीज़ करिएगा. कब का इंतजार कर रहे हैं, दिवाली तो आने ही वाली है. ठीक है, सो विश यू ए हैप्पी दिवाली, एन्जॉय दिस, बाय, टेक केयर.